टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड एंड प्री बीएड परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता ही है। इसमें आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी और ये पीएसएसओयू, इसमें से प्रश्न पूछेगा ही। आपको इसमें इससे रिलेटेड एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूजीसी, नैक, सीबीएसई, पीएसएसओयू, इसका कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें से प्रश्न आपको बनता ही है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ये आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न में इसको पूछा जा चुका है। ये इसका लोगो है एनसीईआरटी का। आप देखेंगे इसका ध्येय वाक्य है विद्या अमृत मश्नुते। इसका स्थापना हुआ है 1 सितंबर 1961। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसमें ध्यान देंगे इसका जो काम है एनसीईआरटी का, विद्यालय शिक्षा में केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देती है विद्यालयीन शिक्षा को। फिर है आपका एनआई, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम प्लस उससे संबंधित अध्ययन सामग्री पर अनुसंधान तथा विकास। CIET, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकों विशेषकर जनसंचार माध्यम का विकास करता है, जिससे शिक्षा प्रणाली प्लस गुणवत्ता सुधार करने में तकनीकी सहयोग प्राप्त हो सके। CIET का स्थापना हुआ है 1973 में। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSSCIVE, इसका कार्य है शिक्षा प्लस व्यावसायिक शिक्षा संबंधी अनुसंधान विकास प्रशिक्षण तथा विस्तार गतिविधियों का संचालन करता है। इसका RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT का ये क्षेत्रीय समिति है, मतलब क्षेत्रीय केंद्र NCERT का है। कौन कौन सा है? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग, ये क्षेत्रीय केंद्र है इसका, क्षेत्रीय समिति NCERT का। NCERT के कार्य अनुसंधान विकास, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, प्रकाशन, किताबें छापना, निर्देशक पुस्तिकाएं, अनुसंधान रिपोर्ट, अध्यापक शिक्षण के लिए निर्देशन सामग्री, प्रशिक्षण, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे दीक्षा, तो आपका ये जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसके बाद आपका FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये तीनों अभी न्यू हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। उसके बाद आ गया आपका SCERT। तो जो काम NCERT का केंद्र लेवल पर है, वही काम SCERT का राज्य लेवल पर रहता है। तो N के बदले आपको क्या कर देना है? S कर देना है। तो S से हो जाएगा स्टेट, बाकी सेम रहेगा, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ये इसका लोगो है, ध्यान देंगे ये जो SCERT छत्तीसगढ़ का लोगो है, आपको इसको ध्यान देना है। सभी स्टेट का SCERT का लोगो अलग अलग रहता है, ये छत्तीसगढ़ का लोगो है। SCERT का कार्य है पाठ्यक्रम विकास का विभाग, अध्यापक शिक्षा तथा सेवारत शिक्षा विभाग, जनसंख्या शिक्षा विभाग, मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार विभाग, शिक्षा अनुसंधान विभाग, शिक्षा तकनीकी विभाग, विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग।
उसके बाद है आपका डाइट, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो डाइट है तो डीएलएड का ट्रेनिंग कराता है। क्रियात्मक अनुसंधान, तो इसका ये है अपने लेवल पर समाधान, मतलब जो टीचर है बच्चों का क्या करेगा, अपने लेवल पर समाधान करेगा उनके समस्याओं को, तो इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और इसको किसने दिया है, स्टीफन कोरे ने, इम्पोर्टेंट है। अगला है AICTE, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना हुआ है 1945 में और इसका जो क्षेत्रीय समिति है चेन्नई, मुंबई, कानपुर, कोलकाता। DEC, इसका फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ICAR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। BCI, इसका फुल फॉर्म है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ है 1961 में। ICSE, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। NIOS, इसको याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें ध्यान देंगे, वैसे NIOS का जो है मेन 1978 है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसका ये भी याद रखेंगे, पहले ये NOS के नाम से जाना जाता था, नेशनल ओपन स्कूल, उसके बाद अभी ये NIOS के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो है 1989 भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इसका लोगो है। इसका ध्येय वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, तो इसको किसने दिया है, अरुणा गोयल ने। UGC का स्थापना हुआ है 1956 में, इसका मुख्यालय है दिल्ली, इसका जो पहला फर्स्ट चेयरमैन है शांति स्वरूप भटनागर, वर्तमान अध्यक्ष है अभी की स्थिति में, इसका जो अभी की स्थिति है 22/7/2024 की स्थिति में है प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार, समय के हिसाब से ये अध्यक्ष बदलते जाते हैं, लेकिन अभी 22 जुलाई 2024 की स्थिति में ये वर्तमान अध्यक्ष है। कुल सदस्य है इसके 12। ये जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है। उसके बाद है NAC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ये इसका लोगो है NAC का। इसका आदर्श वाक्य है उत्कृष्टता विश्वसनीयता प्रासंगिकता, इसका मुख्यालय है बेंगलोर, ध्यान देंगे NAC का बेंगलोर है, इसका स्थापना हुआ है 1994 में। तो NAC का काम क्या है, जितना भी विश्वविद्यालय सबको क्या करता है, ग्रेड देता है, NAC द्वारा ग्रेड 8 की श्रेणी में 8 प्रकार का ग्रेड देता है, इसको आपको याद रखना है, कितने प्रकार का ग्रेड देता है, जो भी विश्वविद्यालय उसको 8 प्रकार का ग्रेड देता है, जिसमें याद रखेंगे पहला है A++, A+, A, B++, B+, B, C, D, ये 8 प्रकार का है जो विश्वविद्यालय को और जो कॉलेज वगैरह है उन सबको ये क्या करता है, ग्रेड देता है। तो यहाँ पर अगर D आएगा तो उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। उसके बाद है CBSE, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये इसका लोगो है। इसका ध्येय वाक्य आप याद रखेंगे अस्तो मासद गमय, इसका स्थापना हुआ है 2 जुलाई 1929 और इसका मुख्यालय है दिल्ली, ज़्यादातर मुख्यालय दिल्ली है लेकिन NAC का क्या है, बेंगलोर है। इसका काम आप याद रखेंगे ये क्या कराता है, CTET आयोजित कराता है, कौन, CBSE, इसको ध्यान रखेंगे, CTET कंडक्ट कौन कराता है, आयोजित कराता है आपका CBSE और NCERT करिकुलम को फॉलो करता है और बोर्ड परीक्षा आयोजित कराता है 10वीं 12वीं का। उसके बाद है आपका CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन,
इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, जो सीबीएसई है वो सीबीएसई ने सीसीई को सबसे पहले लाया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सीसीई को सबसे पहले किसने लाया, तो कौन लाया है, सीबीएसई ने। तो इसके तहत क्या है, 4 फॉर्मेटिव होता है और 2 समेटिव होता है, 4 रचनात्मक मूल्यांकन और 2 योगात्मक मूल्यांकन होता है। सीसीई का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और सीसीई को सबसे पहले किसने लाया ये भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। फिर आपका न्यूपा NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है PSSOU पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। इसका याद रखेंगे, इसका जो स्थापना हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का 20 जनवरी 2005 और इसका मुख्यालय है आपका बिलासपुर कोनी में है इसका मुख्यालय। इसका क्षेत्रीय केंद्र याद रखेंगे, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग, जसपुर और कांकेर। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़ा है। यह आपका ऑप्शन CBSE, ICSSR, NCERT, SCERT, NCTE। इसमें से आप याद रखेंगे जो शिक्षा से ये संबंधित है NCERT, SCERT और NCTE। इसका उत्तर हो जाएगा ये तीनों। दूसरा प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया, इसी को भी बताया हूँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब CCE किसके द्वारा शुरू किया गया है, इम्पॉर्टेंट है, CBSE, UGC, SCERT, IGNOU। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, CBSE। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है, सामग्री पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम, पूर्ण विद्यालय का वातावरण, अनुसंधान पाठ्यक्रम। तो इसका उत्तर होगा पूर्ण विद्यालय का वातावरण। ये इंटर्नशिप कार्यक्रम मतलब जो DEd BEd कराते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आजकल स्कूल में जाते हैं, अपना जो स्कूल में वास्तविक शिक्षा का अनुभव करते हैं, तो इसलिए पूर्ण विद्यालय का वातावरण आएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है, इसका ध्यान देंगे, ये परख का फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन दिया है, उद्देश्य का मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ये परख का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये पूछा जा चुका है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार कौन सा सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा, इसका आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, राज्य उपलब्धि परीक्षण SAS, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS और ये परख प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। इसका उत्तर हो जाएगा आपका NTA। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता देखता है, इम्पॉर्टेंट है ये आपका, NCTE, MCI, AICTE, CSIR। इसका उत्तर होगा आपका AICTE, तकनीकी शिक्षा का याद रखेंगे AICTE। तो जितने भी इसमें जो टॉपिक बताए हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे।